जी, राधे राधे जी, जय कृष्णा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इससे मिलता जुलता पैटर्न बनाते हैं। तो ये पैटर्न मैंने पहले स्ट्रिप बनाई थी, यानी कि मैं ये यहाँ से स्टार्ट किया है, और अभी जो मैं आपको पैटर्न बताने जा रही हूँ वो मैं आपको टॉप से बता रही हूँ। आप यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ, बेस धागों का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये कई टाइप से बनती है, तो चलिए एक से कई बेनिफिट्स उठा लीजिए। आज हम जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यदि आपको ये पैटर्न आता है तो आपको कई प्रोजेक्ट जो है सीखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 मैंने यहाँ पर फंदे लिए हुए, ठीक है। और कम से कम मैं इसमें जो है 20 रो लगाऊंगी। धागा मेरा तारीख है ना, ठीक है। मैंने 16 लगा दी थी और अभी मैं इसमें जो है 20 करती हूँ, ठीक है। करना क्या है, मैंने पूरे के पूरे मैंने जो है लेस करने हैं, ठीक है। मैं धागा निकाल देती हूँ और लेस कर लेती हूँ। लेस करने के बाद फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियर कर लेती हूँ, इस कॉर्नर में लेस किए थे और डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, और फिर से आपने 16 फंदे उठा लेने हैं, यहाँ पक्का कर लेना है, और फिर दोबारा से आपने जो यहाँ पर 20 रो प्लेन प्लेन, ठीक है। ये सिंपल नीडिंग मशीन का सबसे ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है ना। तो इस तरह से करते हुए जाएगा, तो यहाँ 20 रो मेरी जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जब 20 रो कंप्लीट हो गई है तो पूरे लेस करते हुए जाना है, और फिर से दोबारा से मैंने ये वाली साइड में 16 फंदे 20 रो, इस तरह से ये चार भाग होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा लेती हूँ ये किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। फ्रेंड्स, तो इस तरह का शेप का आ गया है, साथ में क्लियर कर रही हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर लाइन वाइज 2-2 रो के बाद तब लगा सकते हो, 4 रो भी लगा सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। कलरफुल आप उनको यूज़ कर सकते हो। जब मैं लास्ट में आऊँगी भाई, तब मैंने स्टार्टिंग वाले को और लास्ट वाले के फंदे मैंने जो है ट्रांसफ़र करके पूरे पूरे जो है, पहले देखिए फर्स्ट वाले के थे ना, अब ये पूरे लेस करने हैं। तो स्क्वायर मेरा जो है ये रेडी हो गया है, पूरे के पूरे मैंने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेस कर देने हैं, ठीक है। अब ये बन गया हमारा गोलाई वाला पोर्शन, ठीक है। वाला पोर्शन इज रेडी। अब आ जाइए यहाँ वाले में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम थर्ड लास्ट स्टेप में, यहाँ फोर्थ बॉर्डर में। अब फिर दोबारा से अब मेरा यहाँ पर वैसे ही आपके 16 फंदे, ठीक है। कलर मेरा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, है ना, और 20 ही रो होगी। और आपने क्या करना है, इसके साथ नंबर एक इसे 2 स्टेप से नीट किया जाता है। या तो आपने प्लेन प्लेन बनाना है और फिर इसके साथ स्टिच करना है, या साथ साथ आपने, मैं आपको बता दूंगी, एक एक फंदा यहाँ ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो साथ साथ स्टिच होगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मतलब आपको देखना है कि इजी कहाँ लगता है आपको, तो वैसे ही करते हुए जाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ देख लीजिए, ग्राफ समझ लीजिए आप। और मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ, समझाने के लिए छोटा सा ग्राफ बनाया है और कम फंदे लिए हैं। आप चाहो तो हेड के अकॉर्डिंग इसमें जो फंदे कम ज़्यादा भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये भी मैंने 4 में बनाया हुआ, 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 एंड 4 आ गया नहीं, ठीक है। अब चलिए भी इसको सिलने का तरीका हम देखिए किस तरह से करेंगे। हमने इस तरह से पकड़ लेना है, ठीक है, और इसे यहाँ से और यहाँ तक जो है स्टिच करते हुए जाना है। तो चलिए कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन मेरा स्टिच हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये गोलाई आएगी, है ना। तो अब मैंने इसे कट कर लेना है, फिर अगेन नॉट लगा देनी है। इसके जो 4 कॉर्नर्स है ना, तो आपके ऐसे ही आएंगे सभी, इसी तरह से ब्लू ब्लू के साथ स्टिच होगा,
देन आपका इसमें शेप सॉरी कलर जो है अलग दिख रहा है शेड ना, तो ये कॉपर कलर कुछ किए हैं। तो इस तरह से इसको स्टिच इस तरह से करते हुए लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगेन रिपीट करती हूँ, ब्लू के साथ ब्लू, देन यहाँ देखिए कॉपर के साथ कॉपर। तो इस तरह से ये मेरे फोर, अब मैं आपको दिखा लेती हूँ गुलाई किस तरह से आई, आई ना इस तरह से गुलाई। तो अब देखिए अब आ जाइए यहाँ पर लास्ट स्टेप में, पहले मैंने स्टार्टिंग किया था ऊपर से, फिर ये भी फोर, ये भी फोर, और ये नीचे जो क्लोजिंग वाले आएंगे ना भाई, ये स्टेप जरा आपने ध्यान से देखना है। ये भी मेरे जो है यहाँ पर आपके 16 ही फंदे उठेंगे और ये भी फोर पीस में ही आपके रेडी होंगे, है ना। तो पहले फंदे चक लेती हूँ मैं। मैंने करना क्या है यहाँ पर इस तरह से एक एक फंदा लेस करते हुए जाना है, ठीक है। एक एक फंदा लेस होगा और एक एक फंदा मेरा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र। ये भी चाहे आप एक बार 20 रो लगा के इसके साथ अचैट कर सकते हो, आप इसको जो स्टिच कर सकते हो। तो चलिए जैसे भी आपको इजी लगे, तो इस तरह से यहाँ से ये आपके घट के ये ज़ीरो ही रहने चाहिए, है ना। तो इस तरह से चारों कॉर्नर्स को हम इस तरह से ही फिल करते हुए जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ देखिए इस तरह से यहाँ से मैंने फंदे उठा दी थी 16, फिर मैंने आपको कहा था कि 1 बाय 1 आपने यहाँ पर ज़ीरो कर लेना है, ठीक है। अब मैं इस तरह से लास्ट स्टेप में आ गई हूँ अब बॉर्डर की ओर। अब बॉर्डर को हमने 2 पार्ट्स में, पहले यहाँ वाले ये फंदे यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, देन ये वाले पोर्शन के फंदे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है ब्यूटीफुल कैप इज़ रेडी। फ्रेंड्स इस तरह से ब्यूटीफुल इंटरलॉक कैप इज़ रेडी। और साथ में क्लियर कर रही हूँ, चाहे छोटा बेबी हो चाहे बड़ा हो, तो आपके 4 ही हो, सिर्फ फंदे ज़्यादा होंगे। ये इस तरह से देखिए राउंड सर्कल में रेडी होता है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। चलो बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, राम राम भी कर दो भाई।